हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप नीड। दिस इज़ योर चताली मैम। तो आज जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है, वन टॉपिक विद कन्फर्मेशन ऑफ वन क्वेश्चन, उसमें मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नई चीज़ लेकर आई हूँ। नई चीज़ कौन सी जिसमें आप सभी को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है? क्या? टू लर्न द एक्सेप्शंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट? और इसीलिए मैं यहाँ पर ट्रेंड्स इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाली हूँ। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हमारा पी ब्लॉक में भी आता है, साथ में डी ब्लॉक में भी आता है, और इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी नीट में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली होती क्या हैं? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम फिज़िकली किसी भी एटम में, एलिमेंट में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, जो लास्ट के वीडियो में हमने शील्डिंग इफेक्ट में भी डिस्कस किया था। साथ में आता है एंथैल्पी। अब एंथैल्पी दो तरीके की हो सकती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर आता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट इज डेंसिटी। फिफ्थ इज मेटालिक नेचर एंड सिक्स्थ इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम एक एक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और साथ में उनके एक्सेप्शंस भी डिस्कस करेंगे। तो हमने लास्ट में डिस्कस किया था, जब हम शील्डिंग इफेक्ट डिस्कस कर रहे थे, कि एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? जैसे आप ये एग्जांपल देख रहे हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीशियम। दैट मीन्स मैं फर्स्ट ग्रुप की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर दो शेल्स, देन फिर नेक्स्ट तीन हो गए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब शेल्स भी इंक्रीज होंगे। शेल्स कौन से? के, एल, एम, एन, एक एक शेल ऐड होते जा रहा है ना? तो यहाँ पर हम किसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं? बोर्स एटॉमिक मॉडल याद है, एन रिप्रेजेंट्स वन, फिर एन रिप्रेजेंट्स टू, फिर एन रिप्रेजेंट्स थ्री एंड एन रिप्रेजेंट्स फोर। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे। तो रेडियस के दो फैक्टर, एक तो हो गया नंबर ऑफ शेल्स और दूसरा हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो डाउन द ग्रुप हम देखते हैं नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहा है और अलॉन्ग द पीरियड जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज। देख रहे हैं आप, साइज इंक्रीज हो रहा है, रेडियस साइज को दिखाता है। तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज मतलब साइज इंक्रीज, और अलॉन्ग द पीरियड अगर आप लेफ्ट से राइट तक जा रहे हैं तो वहां पर साइज डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो जैसे ही प्रोटॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा, वैसे ही साइज कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। अब आते हैं हम एक्सेप्शंस, यही तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो एक्सेप्शंस हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहला ग्रुप वन, ग्रुप टू, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज होता है। जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है वो ग्रुप 13 का है। क्यों? क्योंकि ग्रुप 13 इज़ अ पी ब्लॉक एलिमेंट वाला ग्रुप है ना। तो यहाँ पर आप देखते हो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, दिस इज़ ग्रुप 13। तो इसका मतलब अगर मैं डाउन द ग्रुप जा रही हूँ, बोरॉन से थेलियम की तरफ जा रही हूँ, तो रेडियस क्या होना चाहिए था? इंक्रीज होना चाहिए थी। पर ऑर्डर, एक्चुअल ऑर्डर हमारा ये होता है, क्या? बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम एंड थेलियम। तो क्या आपको यहाँ पर कोई एक्सेप्शन दिख रहा है? जो ऑर्डर होना चाहिए था उसमें आ गया एक्सेप्शन। इसका मतलब गैलियम कम्स फर्स्ट एंड एल्यूमिनियम बाद में। तो इसका रीज़न क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पर आ जाता है, हमने पढ़ा था पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब पुअर शील्डिंग किसका? डी इलेक्ट्रॉन्स का। क्योंकि गैलियम के अंदर आ जाते हैं डी इलेक्ट्रॉन्स, तो वो करेंगे पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग के अंदर कारण क्या हुआ? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो साइज छोटा हो गया। तो ये है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन ग्रुप 13 में। फिर हम आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का भी तो पढ़ना है। तो यहाँ पर आपने एक इम्पॉर्टेंट टर्म सुना होगा, जिसे हम कहते हैं क्या? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी किसी के कारण होता है? ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट।
तो अगर आप टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम, ये एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर कौन सा फोर्थ ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो अगर इनके एटॉमिक रेडियस की बात करें तो डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था। इसका मतलब टाइटेनियम का सबसे कम, फिर जर्कोनियम का और फिर हाफनियम का। पर यहाँ पर आ जाता है हमारा फिर से एक्सेप्शन कि टाइटेनियम मतलब 3D सीरीज से 4D सीरीज में जब आप जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। पर 4D से जैसे ही आप 5D में जाते हैं यहाँ पर साइज सेम हो जाता है, ऑलमोस्ट सेम। क्यों? बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जैसे ही 5D ऑर्बिटल आए उसके अंदर हमारे 4F इलेक्ट्रॉन्स भी तो आते हैं, और 4F इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग होती है, सबसे पुअर है, याद है sp dnf। तो F वाला ऑर्बिटल की सबसे पुअर शील्डिंग, इसका मतलब यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया और साइज छोटा हो गया। तो होना क्या चाहिए था, साइज इंक्रीज, पर जर्कोनियम एंड हाफनियम का साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं क्या, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, फिर हमने आयनिक रेडियस का भी डिस्कशन किया था। तो अब मैं यहाँ पर आयनिक रेडियस एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, पर हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अगर आपके पास में आयोडीन आयन दिया हुआ है, आयोडीन है, आयोडाइड है एंड आयोडीन पॉजिटिव आयन है, तो अगर आपसे पूछा जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस, क्या ये सारे आयन्स हैं इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस, करेक्ट? तो हम कैसे लिखेंगे? हमें पता है कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या, उसकी रेडियस ज़्यादा होगी या कम होगी? रेडियस ज़्यादा हो जाएगी ना, क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिपल्शन हो रहा है। तो आपको याद होगा जब हम शील्डिंग इफेक्ट पढ़ रहे थे तब हमने कहा था कि कैटायन का साइज सबसे छोटा होता है, फिर आता है न्यूट्रल एटम, और सबसे बड़ा साइज होता है एनायन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस बताएं तो ये होगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन देखिए, लिथियम सोडियम पोटेशियम, क्या यहाँ पर लिथियम आयन, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन एक ही ग्रुप के हैं? तो हमने कहा था एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आयनिक रेडियस भी तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, पोटेशियम सबसे ज़्यादा, सोडियम और लिथियम। फिर थर्ड क्वेश्चन देखो, जहाँ पर सेम एलिमेंट है, अब यहाँ पर कटायन एनायन नहीं है पर एक ही एलिमेंट के हमने अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे हैं, जैसे आयरन Fe2+ और Fe3+ में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा आयनिक रेडियस किसकी होगी? तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि आयनिक रेडियस जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा प्रोटॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहे हैं वो इंक्रीज हो गए, तो दैट इज़ वाई यहाँ पर साइज कम हो जाएगा। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, Fe3+ का सबसे कम, Fe2+ का उससे ज़्यादा एंड Fe का सबसे ज़्यादा। ठीक, फिर यहाँ पर नेक्स्ट आयनिक रेडियस हम देखते हैं किसका, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये भी हमने डिस्कस किया था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो यहाँ पर सभी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 10। तो क्या अभी तक जो तीन क्वेश्चन डिस्कस किए आप उससे ये ऑर्डर बना सकते हैं? सबसे पहला एनायन का सबसे ज़्यादा, तो एनायन वैसे भी न्यूट्रल से ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ तो मैं ये लगा दूँ, और कैटायन न्यूट्रल से छोटा यहाँ पर लगा दूँ। फिर हमने देखा आयनिक रेडियस पॉजिटिव चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब एल्यूमिनियम 3+ सबसे ज़्यादा छोटा होगा, मैग्नीशियम उससे थोड़ा सा बड़ा और सोडियम उससे थोड़ा सा बड़ा। और अगर हमें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की बात करूँ तो आयनिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसीलिए O2- विल बी द लार्जेस्ट आयन आयनिक रेडियस। ठीक है, फिर आते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है कि किसी भी गैसियस एटम से अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है उसके वैलेंस ऑर्बिटल से, तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसी को कहा जाता है क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी।
ठीक है, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी के कुछ फैक्टर्स है कि वो किस पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला साइज़ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अरे जितना छोटा साइज वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही डिफिकल्ट। ठीक है, सेम होता है शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट अगर कम कर दोगे तो साइज़ वापस छोटा हो जाएगा, साइज़ छोटा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। ठीक, एंड नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन हाफ एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर आ जाती है स्टेबिलिटी की बात, हाफ और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या हैं, स्टेबल है। तो अगर हम जनरल ट्रेंड की बात करें, आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप इंक्रीज, क्यों, क्योंकि साइज डिक्रीज, सॉरी डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, क्यों, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। और अगर लेफ्ट से राइट आप जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी क्योंकि साइज कम हो रहा है। वहीं पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, अब इन दोनों को एक साथ समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, वहीं पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब किसी भी आयन को एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका ट्रेंड क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी के जैसे, जैसा डाउन द ग्रुप अगर आप जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, और अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सुनी होगी कि जो फ्लोरीन है इट इज़ दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्यों, क्योंकि अगर हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो फ्लोरीन आता है सबसे एंड में, है ना, 17th ग्रुप में, और फ्लोरीन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम इसके एक्सेप्शंस पर। अब एक्सेप्शंस में आप देख रहे हो हमने सबसे पहले लिखा है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, तो यहाँ पर मैंने लिए हैं एलिमेंट्स सेकेंड पीरियड के, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो जो करेक्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर होता है वो ये है, दैट इज़ बोरॉन बेरिलियम से ज़्यादा हो जाता है, मतलब बेरिलियम की ज़्यादा हो जाती है एंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन की ज़्यादा हो जाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये चेंज हमें क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि बेरिलियम के अंदर है हमारे फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ 2s2, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो फुल्ली फिल्ड है, और वहीं पर नाइट्रोजन में आ जाता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। अभी हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन हाफ एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पर हाफ और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हैं इसीलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी चेंज हो रही है। फिर देखो एग्जैक्टली सेम हमारा यहाँ पर टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम में, अब हाफनियम में क्योंकि आ रहा था हमारा क्या, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू जर्कोनियम। ठीक, फिर एप्लीकेशन कि हम ये क्यों आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों पढ़ रहे हैं, तो अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है इसका मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और इजीली इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसका मतलब क्या, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम ये कंपेयर करते हैं कि जिसकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिविटी। अब नेक्स्ट हम ग्रुप में, अलोंग द ग्रुप अगर आप ये एक्सेप्शन देखो तो वापस ग्रुप 13 एलिमेंट्स आ गए। ग्रुप 13 एलिमेंट्स में अगर आप एक्सेप्शन देखो, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, तो यहाँ पर आपको दो एक्सेप्शन देखने को मिल रहे हैं। एक तो गैलियम एल्यूमिनियम में तो सभी को पता चल गया कि यहाँ पर आ रहे थे हमारे डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो पुअर शील्डिंग कर रहे थे और पुअर शील्डिंग के कारण यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो गई। ठीक, पर वहीं पर अगर मैं थेलियम की बात करूँ तो थेलियम में क्या है, अब थेलियम में आ जाते हैं हमारे एफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ इलेक्ट्रॉन्स तो वो और ज़्यादा पुअर शील्डिंग करते हैं, है ना, एज़ कम्पेयर टू डी एंड एफ, एफ सबसे ज़्यादा पुअर शील्डिंग करते हैं, इसीलिए यहाँ पर थेलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है। तो बोरॉन के बाद आता है थेलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम एंड इंडियम, और ऐसा ही सेम एक्सेप्शन आपको ग्रुप 14 में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो अभी तक हमने पढ़ा उससे हम ये इन्फर कर सकते हैं कि हीलियम जो नोबल गैस एटम है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, तभी तो वो इनर्ट है, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा तो रिएक्टिविटी कम, और फिर फ्लोरीन इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
अब इसी के ऊपर बेस्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बेस्ड है हमारा मेटालिक नेचर। समझो, अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है। इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है, इसका मतलब क्या वो मेटल की तरह बिहेव करेगा ना? जो भी मेटल्स होते हैं हमारे, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सारे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलते हैं। इसका मतलब ये मेटल क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकते हैं। तो मेटालिक नेचर अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं और इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है। इसीलिए लेफ्ट साइड मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे मेटल्स होते हैं, करेक्ट। वहीं पर अगर इसके ऑपोजिट देखोगे, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, तो ये कौन से होंगे? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, दूसरों से इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेंगे, इसीलिए इनको ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना पड़ेगा। और राइट साइड ऑफ एलिमेंट मतलब ग्रुप 17 हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ठीक है। तो यही हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं मेटालिक नेचर। तो अगर मैं डाउन द ग्रुप या अलॉन्ग द पीरियड की बात करूँ, तो मेटालिक नेचर क्या होगा? क्योंकि अलॉन्ग द पीरियड हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो मेटालिक नेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। वैसे ही अगर डाउन द ग्रुप की बात करूँ, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लो हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब मेटालिक नेचर वहाँ पर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मेटालिक नेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक। अब इसी के बाद हमारा नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, जैसे इलेक्ट्रॉन दे रहा था, उसको हमने कहा आयनाइजेशन एंथैल्पी। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तभी भी वहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज हो रही होगी, इसीलिए यहाँ पर जो एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ ऑलवेज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि ग्रुप 2, ग्रुप 15 एंड ग्रुप 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत लो होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास होता है स्टेबल कॉन्फिगरेशन। ग्रुप 15 हाफ फिल्ड है, ग्रुप 18 क्योंकि फुल्ली फिल्ड है, और ग्रुप 2 ये भी फुल्ली फिल्ड है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉप से बॉटम में आने पर डिक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा डेंसिटी। अब सभी ने पढ़ा होगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप की, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था? मास भी इंक्रीज हो रहा है और साथ साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ी हो रही है ना? तो इसका मतलब डेंसिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी? इंक्रीज होगी, करेक्ट। और अगर हम लेफ्ट से राइट या अलॉन्ग द पीरियड की बात करें, क्योंकि यहाँ पर मास इंक्रीज हो रहा है पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब डेंसिटी कहीं ना कहीं यहाँ पर इफेक्ट होगी। एंड दैट डिपेंड्स, पर जनरल ट्रेंड हम ये कहेंगे कि डेंसिटी का डिक्रीमेंट ही हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने सभी ने पढ़ी, सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मेटेलिक नेचर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड रेडियस, अब इस जनरल ट्रेंड को याद रखना इज इम्पॉर्टेंट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ ट्रिक। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक आइकॉनिक कार्टून कैरेक्टर, दैट इज़ मिस्टर बीन। ये मिस्टर बीन ही हमें हेल्प करेंगे हमारे इस आइकॉनिक हमारे पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स को याद करने के लिए। कैसे? अब मिस्टर बीन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर? मिस्टर बीन, एम स्टैंड्स फॉर क्या? मेटालिक रेडियस या मेटालिक नेचर, एंड आर स्टैंड्स फॉर रेडियस, ठीक है। बीन में ई स्टैंड्स फॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी, A फॉर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड N फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर मिस्टर बीन हमें कैसे हेल्प कर रहे हैं? तो अगर आप मिस्टर की बात करें, M और R, तो वो क्या होगा? डाउन द ग्रुप और कहाँ से? राइट से लेफ्ट जाने में, जैसे आप ये देख रहे हो, डाउन द ग्रुप एंड लेफ्ट से राइट जाने में मिस्टर इंक्रीज होगा। इसका मतलब मेटालिक नेचर और रेडियस इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर मैं नीचे से ऊपर
बॉटम से टॉप पर जा रही हूँ या लेफ्ट से राइट जा रही हूँ, तो वहाँ पर हमारा बीन, इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर आपको एक उल्टा जेड दिख रहा होगा, इसी से हमें याद रहेगा हमारी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक क्लियर है। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, हमें पता है लार्जेस्ट आयन कौन बनाता है, जो अनायन हो और साथ साथ में जिसके ऊपर ज़्यादा चार्ज हो। तो अगर मुझे यहाँ पर चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, उसमें से सोडियम तो हट जाता है क्योंकि ये कैटायन फॉर्म करता है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। क्या नाइट्रोजन को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा तभी ये N3 माइनस फॉर्म करेगा, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन एंड फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन? तो इसका मतलब क्या मैं यहाँ पर आंसर को मार्क कर दूँ? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन अनायन बना रहा है और साथ साथ में चार्ज भी ज़्यादा है। डन। 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फॉर सेकेंड पीरियड इज। तो हमने देखा था यहाँ पर बेरीलियम की बोरॉन से ज़्यादा हो जाती है और नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाती है, दो एक्सेप्शंस जो हमने देखे थे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कौन सा, ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल आ जाते हैं जो यहाँ पर एक्सेप्शन दे देते हैं इन दी आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बेरीलियम की बोरॉन से ज़्यादा एंड नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द ऑर्डर अरेंजमेंट डज नॉट अग्री विद वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कौन सा ऑप्शन, मेटालिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, ये करेक्ट है। फिर आयनिक रेडियस अनायन का ज़्यादा होता है, कैटायन का कम होता है, तो ये करेक्ट है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा है, इसका मतलब ये करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा हो जाती है, तो ये हमारा एक एक्सेप्शन है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, अरेंजमेंट ऑफ लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स, जिसमें है कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट में इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक है, अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी सभी लोगों के साथ शेयर करो ताकि ये ट्रिक सभी के साथ पहुँच जाए। थैंक यू एवरी वन, बाय बाय।